बहुत ज्यादा अभी नहीं इंक्रीज हुई है क्योंकि चाइना की तरफ से जो डिमांड आने की एक्सपेक्टेशंस थी वो अब तक नहीं आई है। पर साथ ही आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो घरेलू स्तर है उस पर कॉपर की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट है और आगे चलकर अगले एक साल में तो ये डिमांड और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद लगाकर चल रहा है स्ट्रीट। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेक्टेशंस है, और अगर आप पिछले तीन दिनों का यहाँ पर कॉपर की कीमतों पर भी नज़र डालेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है। 3.75% के इंट्राडे मूव्स आपको यहाँ पर कुल मिलाकर पिछले तीन दिनों में हिंदुस्तान कॉपर कॉपर प्राइसेज में बनते वे नजर आए हैं। तो ओवरऑल कॉपर के लिए जो सेटअप है वो मुझे लग रहा है कि यहां पर अच्छा हो सकता है आगे चलकर, और इसीलिए इसको आप अपने फंडा पिक के लिहाज से यानी कि पोर्टफोलियो में शामिल कर चल सकते हैं। अगला 12 महीनों में लगभग 20-22% के गेंस के लिए 140 रुपए के टारगेट के हिसाब से ये सरकारी कंपनी को आप खरीद कर चल सकते हैं।